क्या मामला हुआ जो आपके यहाँ पे लाके डेड बॉडी रख दी, हंगामा किया है कुछ लोगों ने? ये पहले हमारे यहाँ जॉब करता था सामने फैक्ट्री पर, रिजॉर्ट से इसका कोई मतलब वास्ता नहीं था। और उसके बाद कोलू पे कल ये अपना रहता था, वहीं पे कोलू पे इसकी ड्यूटी थी। और ड्यूटी के बाद शराब पी करके बाइक पे था ये अपने दोस्त वोस्त के साथ, पीछे से बस ने इसको हिट किया और हिट होते ही ये नीचे गिर के एक्सपायर हो गया। उसके बाद इसके फैमिली वाले, यहाँ पे शादी थी इसलिए यहाँ पे इकट्ठा करके मुआवजे के लिए इसको लेकर बैठ गए, जिस वजह से फिर अब आपसी बातचीत में अब सेटलमेंट हो गया है। क्या सेटलमेंट हुआ भाई? आपसी बातचीत में चाचा जी ने किया है जी, बड़े लोगों ने, मैं तो अंदर शादी में ही बिजी था, बारात वालों ने हमारे डंडा तोड़ रखा है। थैंक यू। बारात किसी चढ़ी? क्या नाम है आपका? जी बबीता। कौन से गांव के? बंधेड़ा, जड़ौदा। जड़ौदा यहाँ बैठे हुए हूँ, क्या है मामला? जी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? फुरकाजी। तो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? यहाँ इनके इन्होंने किनके भेजा हुआ था? इनका भेजा हुआ था जी, यार तनख्वाह रुक रही उसकी 10 साल से, उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया घरों। किसने भेजा हुआ था? इन्होंने गुप्ता जी ने। गुप्ता के यहाँ पे काम करते थे? क्या करते थे यहाँ पर जी? वहाँ उस पर छोड़ रखे थे फार्म पे। क्या कार्य का, क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम था उनका वहाँ से। तो ये यहाँ पे काम कर लिए थे? हाँ जी। तो फिर अब क्या मांग करते हैं? बस जिन बालकों का ही सोच रहे, बताओ मैं अकेली करने वाली क्या करूँगी? मैं चार बच्चे, मेरा खेती बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, इनके बारे में सोच रहे भाई। यहीं पर सड़क के किनारे ही है, वहाँ कल्लू नाम के व्यक्ति हैं जो गुप्ता रिसोर्ट के मालिक के पास काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट में। इनके परिजन मांग कर रहे थे हमें मुआवजा दिलाया जाए इनसे, तो इनसे भी कुछ दिलवाया जा रहा है और ये बात भी हो गई दोनों पक्षों में। जहाँ तक सरकारी धन, शासकीय धन की बात है, ये गरीब परिवार है, हम पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत कल ही इनको लाभ दिलाने की पूरा प्रयास करेंगे। इसमें FIR और पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता है, वो कल हमें मिल जाएगा, तो कल ही हम इसको, इसके अतिरिक्त क्या लाभ मिलेगा सरकारी ने? इन्हें पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त हम इनका आकलन करा ले रहे हैं, यदि वास्तव में बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी इनको लाभ दिलाए जाने का भरसक प्रयास किया जाएगा और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हम इनको जरूर लाभान्वित करेंगे। प्रधान जी क्या मामला हुआ है, इतने लोग एकत्रित गुप्ता रिसोर्ट? ये जो मामला हुआ है, कल्लू लड़का था ये, इसका गुप्ता जी के यहाँ नौकरी कर रहा था 15 साल से, तो वहाँ से लक्सर रोड पर पुरकाजी साहब के कौन से कल्लू लगा शेरपुर में वो लगा रखा था इन्होंने करे सर, फिर ये उसे वहाँ ले गए, वहाँ से उसका एक्सीडेंट हुआ। कौन ले गया था? नहीं गुप्ता जी ले गए थे अपने वहीं से। अब यहाँ पे डेड बॉडी यहीं पे रखी हुई है रोड पर, क्या चाहते हैं? क्या चाहता है? हमें चाहता है इसकी मदद करो गुप्ता जी। अब गुप्ता जी ले गए, इसके बच्चे भी आ गए छोटे छोटे, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं यहीं पे। हाँ जी हो जाएगी, आ जाओ गुप्ता रिसोर्ट पे। मतलब जी मामला चल रहा है, किस तरीके का? ये जड़ोदा के एक बेटे शिव कुमार जी गुप्ता रिसोर्ट का, जो यहाँ गुप्ता रिसोर्ट में कार्य करते थे, गुप्ता रिसोर्ट के मालिक ने उन्होंने वहाँ से इनका एक कोई ट्रांसफार्मर का प्लांट था पुरकाजी साइड में, वहाँ कुछ कार्य के लिए भेजा, उसका एक्सीडेंट हो गया। इनके यहाँ काफ़ी वर्षों से वे कार्यरत थे यहाँ से, वो लड़का एक्सपायर हो गया, घर में अकेला वही था, उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मालिक कोई सुधीन ले रहा, इसकी कोई जानकारी ले रहा, कोई पूछिन रहा भाई कार्य पर रहता हो उसकी डेथ होगी, कम से कम इतना तो इंसानियत के नाते वो तो होना चाहिए भाई, इसके आगे जानकारी करा क्यों डेथ होगी, कैसे डेथ होगी। काफ़ी समय से ग्रामीणों का हंगामा चल रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ नहीं अभी बात करी है और अभी पहुँच रहे हैं, और हमारा प्रयास है भाई इस बेचारे को आर्थिक मदद दी जा, जिस कार्य पर रहते हुए
इसकी गरीब की डेथ होगी, इसके दलित के बेटे की मृत्यु होगी, तो ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। अभी नौकरी मिलती है रिसोर्ट में, हाँ उसके भाई उसकी जगह उसके बेटे को नौकरी दी जाए या उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। हाँ सी देखिए आपकी तरफ से किस तरह का आश्वासन दिया गया है परिवार को? नहीं हम तो ऐसा भाई इसे आर्थिक मदद कराऊंगे गुप्ता रिसोर्ट के मालिक से और इस इसके परिवार में से किसी को एक को ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में नौकरी दिलवाना काम करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर अगला नहीं मांगे पूरी तो यहाँ बैठे ही हैं, कोई बात ही नहीं।